सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का। सो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रियल क्रिकेट 22 का न्यू अपडेट आ चुका है। एंड गाइस, आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि RC22 का न्यू अपडेट हम लोगों को स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में मिल जाएगा। सो फाइनली अपडेट हम लोगों को मिल चुका है। तो इस अपडेट में क्या क्या न्यू चीजें ऐड करी गई है, गेम प्ले में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो बेसिकली हम लोग इस अपडेट का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा गाइस। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, गेम को ओपन करते ही हम लोग को RCPL का न्यू लोगो एंड स्क्वाड वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। एंड मल्टीप्लेयर में अगर हम लोग देखें तो चैलेंजर मोड ऐड कर दिया गया है, जो कि इस अपडेट का सबसे बड़ा फ्यूचर है। तो गाइस, इसको ओपन करने के लिए आप लोगों को स्क्वाड डाउनलोड करने पड़ेंगे। और स्क्वाड डाउनलोड करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना कि अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं स्क्वाड, तो आप लोगों के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वो सारे रिसेट हो जाएंगे। तो गाइस, वापस से हम लोग मेन मेन्यू पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्विक मैच के अंदर क्या जर्सी अपडेट हुई है। तो अगर जैसे हम लोग ओपन करके देखते हैं क्विक मैच में, तो हम लोग को वही पुरानी जर्सीज देखने के लिए मिल जाती है इंटरनेशनल टीम्स की। और RCPL वगैरह कुछ भी क्विक मैच के अंदर ऐड नहीं किया गया है। सो गाइस, अब हम लोग एक मैच खेल के देख लेते हैं कि गेम प्ले के अंदर क्या चेंज हुए हैं। तो बेसिकली हम लोग PSL का मैच खेल के देखने वाले हैं गाइस। और इसके साथ साथ कुछ न्यू स्टेडियम्स भी ऐड करे गए हैं, तो स्टेडियम के ऊपर स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। और गाइस, एक फीचर जो हम सभी की डिमांड थी कैप्टन चेंज करने की, तो फाइनल गेम के अंदर ये ऐड कर दिया गया है। तो अब हम लोग अपने किसी भी प्लेयर को कैप्टन बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टीम डेविड को कैप्टन बना रहा हूँ अपनी टीम का। एंड इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे देखें गाइस, तो अपोनेंट टीम में भी हम लोग कैप्टन चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं शाहीन शाह आफरीदी को हटाकर शाई होप को कैप्टन बना देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बेंगलुरु के स्टेडियम की, तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है गाइस। और जैसे ही गेम शुरू होता है, हम लोगों को काफ़ी 3D व्यू देखने के लिए मिलता है स्टेडियम का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डिटेल्स पर काफ़ी वर्क किया गया है गाइस। और लाइटनिंग तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो गेम की लाइटनिंग पर भी काफ़ी वर्क हुआ है। और काफ़ी अच्छे से हम लोगों को लाइटनिंग वगैरह पूरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। सो हमारे दोनों प्लेयर यहाँ पे ग्राउंड में एंट्री ले चुके हैं। बॉलर भी इनके आ चुके हैं, शाहीन शाह आफरीदी। पहली गेंद हम लोग फेस करने वाले हैं। और गाइस, आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हार्ड मोड में खेल रहे हैं। तो लोपटे ट्राई किया है गाइस, और पहली गेंद पर 6 लग गया है गाइस, तो मज़ा ही आ गया गाइस। और रिजवान ने ये शॉट लगाया गाइस, जो कि बैलेंस प्लेयर है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी हम लोगों को बैलेंस वगैरह प्लेयर से भी खेलना थोड़ा सा इजी हो गया है। तो पहली गेंद पर हम लोगों को 6 मिला है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा है स्टेडियम का। और अगली गेंद हम लोग ग्राउंडेड शॉट ट्राई करेंगे। सो गाइस, शॉट काफ़ी स्मूथ हो गया है और काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। जब बैट्समैन शॉट को प्ले कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग को शॉट दिख रहा है। तो इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर हम लोग खेल के देखते हैं, लोपटेड ट्राई करेंगे, तो मिस टाइम हुआ है। और गाइज, यहाँ पे अगर पहले मिस टाइम होता था तो कैच हो जाता था, और अभी मिस टाइम पर हम लोग को 4 रन मिल गए हैं। तो ये ग्राउंड पर डिपेंड करेगा। सो अगर छोटे ग्राउंड होंगे तो गाइज मिस टाइम पर आप लोगों को 6 भी मिल जाएंगे, और बड़े ग्राउंड होंगे तो फिर गाइज आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी। और इसके साथ साथ गाइज, गेम प्ले काफ़ी स्मूथ हो गया है और ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था गाइज, जब गेम रिलीज़ हुआ था तभी आप लोगों को बता दिया था कि जब गेम ऑप्टिमाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, तब 3GB रैम वालों के लिए मिल जाएगा। सो फाइनली 3GB रैम वालों के लिए भी अब गेम अवेलेबल हो गया है, तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। और चैलेंजर मोड की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। सो बेसिकली इसके ऊपर गाइज एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। और गाइज, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो यही कि हम लोग जल्दी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और जो रनर अप और जो विनर रहेंगे उनको अच्छे खासे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो आप लोग भी ट्राई करना ज्वाइन करने के लिए। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।